समाजसेवी संगठन ने भोपाल के ज्योति टॉकी चौराहे पर फिल्म द कन्वर्शन को लेकर विरोध किया। संगठन के लोगों का कहना है कि फिल्म में हिंदू धर्म का अपमान किया गया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने फिल्म निर्देशक विनोद तिवारी का पुतला दहन भी किया। समाजसेवी सोनू मीणा ने चेतावनी देते हुए कहा कि हिंदू धर्म का अपमान किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। सोनू मीणा ने कहा कि बॉलीवुड में निरंतर हिंदू समाज की आस्थाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है और लफ्ज जिहाद दिखाकर हमारे हिंदू बहनों का अपमान किया जा रहा है। तो वेब सीरीजों के माध्यम से, मूवियों के माध्यम से आए दिन हिंदू विरोधी फिल्में बनाई जा रही हैं, जिसमें लफ जिहाद को बड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें लफ जिहाद को कैसे बढ़ावा देना है, हमारी हिंदू आस्थाओं को, हमारी बहन बेटियों के अपमान को दिखाया जा रहा है, जिसको लेकर आज आम हिंदू जन ने प्रदर्शन करा है और हमने प्रदर्शन कर माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री से निवेदन किया है कि ऐसी जिन फिल्मों में माता बहनों का अपमान दिखाया जाए, हमारी सांस्कृतिक धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाई जाए, ऐसी फिल्मों को बैन करें। अगर प्रशासन हमारी बात सुनता है और इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देता है, द कन्वर्शन मूवी को, तो हम ये धन्यवाद करेंगे प्रशासन का। अगर प्रशासन ने ये मूवी बैन नहीं करी तो हम निरंतर विधिवत आंदोलन करेंगे। देखिए, यदि फिल्म रिलीज होती है तो संवैधानिक हमें बहुत सारे अधिकार हैं। हम उस रूप से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे, कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, गृह मंत्री को ज्ञापन देंगे और हम अपनी मांग को निरंतर जारी रखेंगे। जब तक हम सरकार से ये भी निवेदन करते हैं कि सेंसर बोर्ड पर पाबंदी की जाए। सेंसर बोर्ड जिस तरह से पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करते हुए ऐसी फिल्मों को परमिशन दे देता है, जैसे कुछ दिनों पूर्व ही एक फिल्म आई थी, इसमें सावित्री नाम से एक कुतिया का नाम दिया गया था। यह बड़ा ही निंदनीय, बड़ा ही शर्मनाक है। यह भारतवर्ष है, बहुसंख्यक हिंदू समाज यहाँ पर रहता है भारतवर्ष में, उनके भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना बहुत ही गलत।